दश महाविद्या अर्थात महान विद्या रूपी देवी। महाविद्या देवी पार्वती के 10 रूप हैं, जो अधिकांश तांत्रिक साधकों द्वारा पूजे जाते हैं। इन्हीं 10 महाविद्याओं में देवी छिन्नमस्ता को छठी महाविद्या यानी बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। देवी को प्रचंड चंडिका और मां चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। छिन्नमस्ता शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें से छिन्न का अर्थ अलग होने से है, जबकि मस्ता का अर्थ मस्तक या सिर से है। इस प्रकार छिन्नमस्ता का मतलब जिसका मस्तक अपने धर से अलग हो गया हो। माता छिन्नमस्ता इस रूप में अपने एक हाथ में किसी राक्षस का सिर नहीं बल्कि अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुए रहती हैं, और उनकी गर्दन में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही होती हैं। सनातन पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मां छिन्नमस्ता जयंती का पर्व मनाया जाता है। छिन्नमस्ता जयंती के दिन व्रत रख कर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मां छिन्नमस्ता जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस अवसर पर भक्त माता के दरबार को विभिन्न प्रकार से सजाते हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ का आयोजन किया जाता है। यही नहीं, इस अवसर पर लंगर का प्रबंध होता है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में छिन्नमस्ता जयंती की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। वर्ष 2022 में छिन्नमस्ता जयंती 14 मई 2022 को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय 14 मई 2022 शनिवार दोपहर 3:23 तक, चतुर्दशी तिथि समापन समय 15 मई 2022 रविवार दोपहर 12:46 तक। देवी चंडी ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को विजय दिलाई। शांत भाव से देवी की आराधना करने पर शांत स्वरूप में प्रकट होती हैं। लेकिन उग्र रूप में पूजा करने से उग्र रूप धारण करती हैं। सारे कार्य को सिद्ध करने वाली 10 महाविद्याओं में से एक मां छिन्नमस्ता की पूजा से व्यक्ति को तंत्र मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं देवी छिन्नमस्तिका की पूजा विधि। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात देवी छिन्नमस्ता के श्री विग्रह की स्थापना करें और देवी के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। उन्हें फूल, नारियल और माला आदि अर्पित करें एवं उसके बाद देवी की आरती करें और कठोर मंत्रों का जाप भी करें। इस दिन भक्त कठोर उपवास भी करते हैं। देवी के दिव्य आशीर्वाद को पाने के लिए भक्त छिन्नमस्ता जयंती के दिन दान और पुण्य के भी कई कार्य करते हैं। इतनी शुभ घड़ी, दिन, तिथि और मुहूर्त में आपको जगत के कल्याण के लिए देवी छिन्नमस्ता के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मां छिन्नमस्ता के मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम ए वज्र वेरोचिनिये ह्रीम ह्रीम फट स्वाहा। पुराणों में वर्णित देवी की उत्पत्ति से जुड़ी कथा अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती अपनी 2 योगिनियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी, लेकिन स्नान के दौरान देवी पार्वती ने समय की ओर ध्यान ही नहीं दिया और बहुत प्रतीक्षा के बाद उनकी योगिनियों को भूख लगने लगी। भूख की पीड़ा से उनका रंग काला हो गया। तब उन्होंने भोजन के लिए माँ पार्वती से कुछ मांगा, लेकिन माँ भवानी ने कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा, किंतु वह बार बार भोजन के लिए हट करने लगी। तत्पश्चात योगिनियों ने नम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि माँ तो भूखे शिशु को अविलंब भोजन प्रदान करती है। ऐसा वचन सुनते ही भवानी ने अपनी खड़क से अपना ही सिर काट दिया और कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा, जहां से 3 रक्त धाराएं बह निकली। 2 धाराओं को उन्होंने सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिन्हें पान कर दोनों तृप्त हो गई। तीसरी धारा जो ऊपर की ओर बह रही थी उसे देवी स्वयं पान करने लगी
और तभी से उन्हें छिन्न मस्तिका के नाम से पुकारा जाने लगा। माना जाता है कि जहां भी देवी छिन्न मस्तिका का निवास होता है, वहां पर चारों ओर भगवान शिव का भी स्थान होता है। देवी छिन्न मस्तिका का तेज और प्रताप पुराणों में स्पष्ट रूप से दर्ज है। जितनी वह दुष्टों की संहारक है, उतनी ही अपने भक्तों के लिए दयालु भी है। देवी की साधना जिस भाव से की जाए, वह उसी रूप में दर्शन देती है, फिर चाहे वह शांत भाव हो या रौद्र, और उसका परिणाम भी उसी के अनुरूप होता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।